देसी टॉक अपन बात अपन अंदाज। जय हो, मैं हूँ संदीप अखिल। आप देखो तो हमारे साथ देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के वन आवास और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपके देसी टॉक में। बात के शुरुआत करथन कि आपकी जन प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ हुई से? प्रारंभिक शिक्षा स्कूली शिक्षा होली क्रॉस स्कूल बैरन बाजार रायपुर में हो रही से। अच्छा, ओखर बाद के जन पढ़ाई है? ओखर बाद के पढ़ाई दुर्गा महाविद्यालय। हाँ, और दुर्गा महाविद्यालय में ग्रेजुएशन प्राप्त करे के बाद फिर पढ़ाई समाप्त कर दी। जैन दुर्गा कॉलेज के बहुत सुंदर स्मृति आपके जहन में हुई, काबर के वहाँ के आप छात्र संघ अध्यक्ष रहे हो। कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया में देखे कि वो समय जिन प्रचार के रही थे आपके फोटो वाले बड़ा शेयर होत रही से, तो दुर्गा कॉलेज से जुड़े कोनो बात आप हमला बताओ। अब दुर्गा कॉलेज से तो मैं छात्र संघ अध्यक्ष बने रहे हूँ सन 1979-80 में। हाँ, और एक साल दुर्गा कॉलेज में पढ़े के बाद, हाँ, फिर राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में 1985-91 तक कृषि उपज मंडी रायपुर के अध्यक्ष बने, और उखर बाद 1990 में पहली बार मतलब विधानसभा की टिकट मिली। हाँ, और विधानसभा की टिकट मिले के बाद वो समय यहाँ पे तरुण चटर्जी महापौर रहीं। हाँ, तो 4000 वोट से मैं हारे हूँ। हाँ, और 98 में पहली बार मैं विधायक बने हूँ। उखर बाद 98 में, फिर 2003 में, फिर 2008 में, और अब 2019 में। जी, जिसे दुर्गा कॉलेज की आप बहुत सही बात बताएं, दुर्गा कॉलेज से बहुत जन छात्र निकले, चाहे कोनो भी दल में रहें, बड़ा राजनीति में आगू बढ़ीन, तो का कैसे वातावरण रही कि उमन राजनीति में ऐसा आगू बढ़ीन है? नहीं, छात्र संघ चुनाव में जीते के बाद, हाँ, फिर वो एक स्थिति छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष बनने के बाद राजनीति के एक शौक के हिसाब से, हाँ, राजनीति प्रारंभ करे रहे नमन। हाँ, और फिर धीरे 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 अलग अलग चुनाव में चुनाव लड़े के बाद जब जीत हासिल होते तो फिर बढ़े के बाद भी सामने आते, तो वो हिसाब से हमन बढ़ते चले गए। कृषि उपज मंडी में जन आपके कार्यकाल रही से वो भी यादगार रही से, और बहुत ज़बरदस्त काम करे के नाम से आप लेकिन बढ़िया उपहार तक वो मिल रही से, ओकर बारे में आप हम लोग बताओ। कृषि उपज मंडी में 1995 से लेकर 1991 तक मैं अध्यक्ष रहे हूँ। हाँ, और मैं जब कृषि उपज मंडी रायपुर के प्रभार ग्रहण करे हूँ तो वो समय मंडी के आय वार्षिक रही से 28 लाख रुपया। हाँ, प्रति वर्ष एक साल के भीतर वो आय ला में पहुँचाए 85 लाख रुपया। हाँ, तो कृषि उपज मंडी ला मंडी बोर्ड वो समय भोपाल में मंडी बोर्ड रही से, वहाँ, हाँ, से एक एम्बेसडर कार गिफ्ट मिले रही से। अच्छा, अब वो एम्बेसडर कार गिफ्ट मिले के बाद फिर जो भी राजनेता मध्य प्रदेश स्तर के छत्तीसगढ़ के प्रवास में उमन आईन, तो कलेक्टर के यहाँ से जो प्रोटोकॉल जारी होते तो वो एम्बेसडर कार लाओ बार बार उमन मंगाना शुरू करें। तो वो माध्यम से बाकी जो राजनेता हैं उनसे संपर्क स्थापित हो। कौन सा मोटरसाइकिल ज़्यादा चलत रही से? वो समय राजदूत मोटरसाइकिल ज़्यादा चलत रही से। राजदूत के क्रेज रही से? हाँ, राजदूत के क्रेज रही से। बुलेट की संख्या बहुत कम रही से। हाँ, थोड़ी मतलब राजदूत से और बुलेट से और कम जावा। जावा जिन्हें? हाँ, एक नंबर में राजदूत रही से, दूसरे नंबर में जावा, और तीसरे में बुलेट। ये वो टाइम के रही से। उखर बाद फिर पेट्रोल के भाव बढ़े के बाद नवा प्रयोग के बाद जो आइस, तो फिर वो लूना, फिर हीरो होंडा, सुजुकी, फिर कई किस्म की गाड़ी हो गई। आप कौन सा गाड़ी में चलाते रहे? राजदूत। वो मेंटेनेंस भी कम रही थे? नहीं, मेंटेनेंस तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। आप रही थो रायपुर में, लेकिन आप जिन्हें पंडरेज भी चुनाव लड़े हो, बीरेंद्रनगर जब रही से वहाँ चुनाव लड़े हो, लेकिन जिन्हें आप लेके जिन लोगन में जिन प्यार है का लग थे, का कारण है? उखर रायपुर में रहे के बाद, रायपुर में तो निवास है वो तो सब जानते हैं। हाँ, दो बार मैं वीरेंद्रनगर विधानसभा के विधायक रहे हूँ, एक बार पंडरिया के और अब कवर्धा के। हाँ, कवर्धा पूरा कबीरधाम जिला में कोई भी गांव ऐसे नहीं है कि जहां मैं विधायक नहीं रहे हूँ, पूरा कबीरधाम जिला। हाँ, रायपुर से वहां जाए में खैरागढ़ के जो राज परिवार में शिवेंद्र बहादुर सिंह रहीने, हाँ, राजीव गांधी जी के मित्र रहीने, तो पहली बार वीरेंद्रनगर विधानसभा से टिकट वो हर मल्ला दिवाए है, और उखर बाद वहाँ से जो जीत की सिलसिला प्रारंभ हुई तो आज तक चला था। बहुत कम ऐसा उदाहरण मिलते कि राजनीति में कोनो अपन परंपरागत जिन सीट है ओला देवें,
शिवंत बहादुर सिंह जी के बहुत अच्छा उदाहरण है कि बीरेंद्रनगर से लड़े पर आप ला बुलवाई कि भैया यहाँ से आप चुनाव लड़ सकत हो। हाँ, शिवेंद्र बहादुर मोला बुला के ले गए, वो खरमा के सीट रही से वो बोलीस मोला कि मैं अपन मम्मी की सीट वाला दूँ और राजनीति में ओखर साथ में जुड़े रहे हूँ, तो वोला मोला ले जाके और टिकट दिवाए है और मोर जीत में भी बहुत बड़े योगदान ओखर है और ओखर बाद से फिर लगातार राजनीति के जो चला थे वो आप मन के सामने है। शिक्षक जिन्हें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कोनो ऐसा शिक्षक जब आप पढ़ाई करे हो और यहाँ तक आपके सदैव मार्गदर्शन करते रहे होंगे। आप सभी शिक्षक सम्मानित हैं और रणवीर सिंह शास्त्री हमर समय में प्रचार रहीन, ओखर बहुत आश्वासन, बहुत डिसिप्लिन, अनुशासन, तो वो दुर्गा कॉलेज में पढ़ाई करत में वो सब हम देखे हैं और हमर समय के जो भी शिक्षक है सब सम्मानित रहें और अच्छे ढंग से वन सब काम करते रहें। गुरु और शिष्य के जिन आपके समय में बड़ा एक अनुशासन और गुरु जी के थोड़ा थोड़ा समय के बदलक जैसे बदला थे वो हिसाब से गुरु और शिष्य के जिन परंपरा रही से बहुत थोड़ा थोड़ा क्षीण हुआ थे ऐसे लगते। देखो ये अपन अपन विचार की बात है। यदि मोला अपन गुरु ला सम्मान करना है तो आज भी मंत्री बने के बाद भी वो समय जो मोला पढ़ात रहने यदि मोर पास आते हैं तो मैं पूरा सम्मान से बात करता हूँ, ओखर काम में भी प्राथमिकता है। और यदि विचार आपके सम्मान करना है तो ठीक है, और जो नहीं करना है नहीं करना है, लेकिन हम तो करते हैं जी। कई जैसे राजनेता होते हैं जब या मंत्री बनते हैं या विधायक बनते हैं तो पद के हिसाब से काम आदमी लेके आते, लेकिन आपके संदर्भ में जब भी मैं देखें वो आप चुनाव हार भी गए तब वो क्षेत्र के लोगन आपके पास उम्मीद से आते हैं। हाँ, क्षेत्र का कारण चुनाव जीते के बाद या चुनाव हारे के बाद यदि आप लोग कोई फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं पड़े और जनता के काम यदि आप ईमानदारी से करना चाहो तो काम भी होते। सबले बड़ी बात ये है कि यदि कोई काम, कोई ऐसे भी काम है जो नहीं हो सके तो वाला साफ साफ बता देना चाहिए कि भाई ये काम नहीं हो सके तो मत घूम। तो चारों तरफ इधर उधर घूम के और बाद में घर बैठे से अच्छा है कि मैं आपला बताता हूँ, प्रयास मत करो। ये राजनेता मन बोले नहीं, सब हाँ 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 कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। अक्सर देखे जाते लोगन बताते हैं कि जिन आप ला लोगन के नाम बड़ा याद रही थे जैसे अपन क्षेत्र के लोगन ला और कभी नाम नहीं भुलाओ आप, तो ये मेमोरी मत का नाम ला किसे आप इकट्ठा कर ले। देखो नाम से बुलाए के बाद आदमी बहुत प्रभावित हो जाते हैं। यदि पूरे गाँव के बीच में भी और 50 जन के बीच में आप लोग अरे फलाना सो नेत्रा वैसा करके तो बहुत फर्क पड़ते, तो प्रयास ये होना चाहिए कि नाम से बुलाओ, ओखर एक अलग प्रभाव है। ठीक कह दो, बोला नाम से जानते हैं ऐसा जब ओखरो पास। और देखे जाए तो जिसे कोनो मंत्री या कोनो नेता जेखर नंबर लोगन ला याद रहे ऐसे बहुत कम रहते, और आपके नंबर भी लोगन ला याद रहते हैं और अधिकार पूर्वक लगाते भी आप ला। जब से मोबाइल के सिस्टम प्रारंभ हुए है और मोबाइल नंबर में जो मोबाइल नंबर है वो जब से लेके आज तक एक ही है, मैं नंबर नहीं बदलो। अबर की दूरस्थ अंचल के हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो पूरे रहवासी हैं तो वो बार बार नंबर बदले के बाद उमन वहाँ तक पहुँचाना मुश्किल है, तो नंबर बदले की जरूरत नहीं है, वही नंबर रखो ताकि उमन ला याद रहे जी। जब कॉलेज में आप चुनाव लड़े रहे हो तो बहुत सारे मित्र मंडली रही थे, पहले ग्रुप चलते कि भाई अकबर भैया के आदमी है, बड़ा उस समय माहौल रहे कॉलेज के चुनाव के, तो वो ग्रुप कैसे रही, कौन कौन रही नोमा वो टाइम? अब वो ग्रुप में तो बहुत जो भी वो ग्रुप में रही तो आज अलग अलग स्थान में सब अपन अपन राजनेता हैं, कोई पंच है, कोई सरपंच है, कोई जनपद में, जिला में। अधिकांश जो मोर ग्रुप में मोर साथ में जो रहे हैं वो सब आज राजनीति में अलग अलग स्थान में है। तो जैसे वही जैसे आप दुर्गा कॉलेज में चुनाव लड़े हो तो जैसे पहली कार है कि दुर्गा कॉलेज में बड़ा दबदबा रहे, तो पहले बताया जाए कि भाई एक समय में दुर्गा कॉलेज में आपके बड़ा नाम चला है, भाई मोहम्मद अकबर जी ऐसी की बड़ा नाम चला है, तो नाम चला है वो चीज़ रही थे का इसे नाम चलते हैं? छात्र संघ चुनाव के समय वो समय दुर्गा कॉलेज की जो स्थिति रही से तो दुर्गा कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष यदि कोई जन समस्या के लेके या छात्र संघ से संबंधित या छात्र मन के समस्या लेके यदि कोई बात करे और वो समय यदि वो अनाउंस कर दे, घोषणा कर दे कि रायपुर बंद रही, तो वो स्थिति उत्पन्न हो जाती रही से कि रायपुर बंद हो जाए।
अच्छा तो वो स्थिति वो समय, लेकिन आज के छात्र संघ के जो छात्र नेता हैं या शहर बहुत बढ़ गए हैं, आबादी बढ़ गए हैं, कॉलेज की संख्या बढ़ गई है, तो एक कॉलेज जो दुर्गा कॉलेज की आवाज़ वो समय रही से वो आज उनमें अभाव दिखते हैं जी। मौधा पारा, ब्राह्मण पारा, कंकाली पारा, पारा के एक अलग आनंद रही थे रहे के, उस घर से जुड़े कुछ वो बात आप हम लोग बताओ कि पारा और जिन अभी ठीक है अभी जिन विकास हुए छात्र संघ के राजनीति में तो नाम रही से ब्राह्मण पारा, नाम रही से देशबंधु संघ, बाद में मोर आय के बाद फिर मौधा पारा के नाम जुड़ी। ये छात्र संघ के समय के नामी सब क्षेत्र है और बहुत से छात्र नेता ये सब स्थान से निकले हैं जो समय के हिसाब से अपन अपन काम में लग गए हैं। राजनीति में आप काला देख के आयो, काला अपना रोल मॉडल आप मानता हो? राजनीति में तो छात्र संघ चुनाव के समय कक्षा प्रतिनिधि के चुनाव में सबसे पहली लड़े हूँ। वो चुनाव लड़े के बाद मुझे लगे कि नहीं भाई राजनीति में तो ठीक है, एक आध और बड़े पद में आना चाहिए, तो मैं फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर छात्र संघ के अध्यक्ष, फिर मंडी के अध्यक्ष, लेकिन विधायक तक पहुँचाए में यदि कोई के मतलब हाथ है तो शिवेंद्र बहादुर सिंह, खैरागढ़ राज परिवार के रही से और राजीव गांधी जी के मित्र रही से जी। आपके जिन पहनावा है वो कभी ट्रेडिशनल नहीं रही, नेता का जैसे भाई पजामा कुर्ता सफ़ेद वाले जैसे हमें देखा था है, आप पेंट शर्ट पहनते हो, एक आप अपन एक स्टाइल है आपके, जरा लोगन कहते मोहम्मद अकबर की स्टाइल है, तो ये स्टाइल कहाँ से आप डेवलप करे हो? ये तो बस सामान्य तौर में पेंट शर्ट पहने के शुरू से जैसे आदत पड़े है तो पेंट शर्ट पहनना चलत है। अब राजनेता मन तो पजामा कुर्ता ही पहन लेते हैं, तो अपन अपन इच्छा है, तो उस पर कोई के बारे में कोई बोले की कोई बातें नहीं जी। अक्सर ये देखे जाते जैसे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ते तो राजनीति में भाई लोगन दद्दू या दादा इस टाइप के बात चालू जाते, लेकिन अभी भी आपके साथ लोगन युवा भी बहुत जुड़े रहे थे और अकबर भैया ही कह के संबोधन करते। अब सब लोग साथ लेके यदि चलना है तो फिर वो आपके मतलब सम्मान भी आप लोग उतना ही मिली, तो युवा लोग भी लेके चलना है और बाकी के जो हमारे सीनियर कांग्रेस के हैं उमन लोग भी लेके चलना है, तो स्थिति तो मतलब सम्मान आप जितना सम्मान दे हो उतना अपना मिले। बहुत सही बात आप बोले हो। बहुत ये कम देखे जाते कि मतदाता जिन है वह दबाव बनाए कि नहीं यहाँ से आप चुनाव लड़ो, वो भी आपके साथ लागू होते कि आप पंडरिया से चुनाव लड़त रहे हो, आप लोग कवर्धा के जिन मतदाता हैं कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के, उमन जिद करें कि आप कवर्धा आओ वापस आओ। मैं वीरेंद्रनगर विधानसभा के विधायक रहे हूँ और वीरेंद्रनगर विधानसभा के 80% भाग इलाकाट के और नया नवा परिसीमन जो बनिस ओमें पंडरिया विधानसभा में जोड़ दें, ओखर बाद एक बार में पंडरिया विधानसभा के विधायक बन गए। तो पंडरिया विधानसभा के में जब मैं विधायक रहे हूँ तो जब भी मैं वहाँ पे अपन विधानसभा क्षेत्र के दौरा में जाऊँ तो हमारे पुराना वीरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे साथी मने वो मन बार बार मोर से मांग करें कि आप ये तरफ वापस आओ। तो मैं पंडरिया छोड़ के फिर 2013 के चुनाव में वापस आया और 2013 के चुनाव में बहुत कम वोट से हार हुई, जेखर मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में चला थे और उखर बाद फिर कवर्धा में मैं 2018 के चुनाव में पूरा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वोट 60,000 वोट से आप जीते रिकॉर्ड। ये जनता के आशीर्वाद है, कवर्धा क्षेत्रवासी मन के आशीर्वाद है जी। पिताजी से जुड़े कोनो बात बताओ कि जब आप राजनीति में प्रवेश करे तो उनखर का कहना रही से, उनखर का सोच रही से? अब पिताजी के तो चुनाव वुनाव जीत जाओ तो मतलब काफ़ी वाला खुशी होत रही से और उखर ये हमेशा उखर ख्वाहिश रही से कि मैं विधायक तक पहुँचो और विधायक भी बने हो मंत्री भी बने हो तो सब माँ बाप के आशीर्वाद है, जिसके कारण सब आदमी सब पाते। बहुत सही बात आप कहे हो। माता जी से जुड़े कोनो ऐसा बात या ऐसा कोई चीज़ जिन आपसे जुड़े हुए हो जिन हमेशा आप याद रखते हो? माता जी के संबंध में तो पढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा सतर्क रही से और हमेशा उखर प्रयास रही से कि हमन ठीक से पढ़ लें, तो उनमें बहुत बड़े योगदान उखर है माता जी के। और जैसे आप राजनीति में आए हो तो फिर राजनीति में आए के बाद भी उमन कभी कोई मोर काम में हस्तक्षेप करें नहीं, यदि मैं राजनीति में आना चाहूँ तो मैं अपन मर्जी से आया और यदि मैं आगे बढ़े के प्रयास करें हूँ तो कभी भी उमन हस्तक्षेप नहीं करें, लेकिन जब भी चुनाव जीते हूँ तो भारी प्रसन्न होते रहे। अच्छा
यदि आप राजनीति में नहीं आते हो तो काबर की पढ़े लिखे भी बहुत हो, आप बहुत पढ़ाई भी करे हो, तो राजनीति में आप नहीं आते हो तो और क्या करते हो? राजनीति में नहीं आते हो तो मैं जो मोर विषय रही से कॉलेज में, तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेके प्रयास कर रहा हूँ, और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन एक सीट वो समय खाली रही से हाँ। उखर बारे में मुला बताया गया इसकी एक सर्विस मैन की कोटा है, यदि कल तक वो नहीं आई तो आप लाई प्रवेश दिए जा सकते, लेकिन जब दूसरे दिन पहुँचे तो एक सर्विस मैन के परिवार आ चुके रही से, तो मुला वहाँ मौका नहीं मिले, तो भाग्य में राजनीति लिख रही से, तो मतलब छोड़ के दुर्गा कॉलेज में आ गए, वहाँ पर चुनाव लाइन में चले गए। अच्छा जी, माता जी के बनाए कुनो ऐसन व्यंजन ऐसन पकवान जिन आप बड़ा पसंद आता? ये व्यंजन और पकवान के बारे में अलग से कोई ऐसा चॉइस नहीं है, मतलब हाँ। कि यही पसंद है, जो बन जाए सब ठीक है, सब पहली भी और अभी भी। जैसे कई बार कहा होते हैं कि ये देखे गए हैं कि जैसे जिन राजनीति में जुड़ते ओके पास समय नहीं रहे, लेकिन आप जिन्हें परिवार ला भी पर्याप्त समय दे पाता हो, और जिन बाहर के काम है वहू ला आप पर्याप्त समय दे पाता हो, ये समय के कैसे करता हो, आप मैनेज कैसे करता हो? काम के समय काम, अब परिवार में जाए के बाद फिर पारिवारिक हो जाना वो ज़्यादा ठीक है, ठीक है, सबके ऊपर ठीक है। और यदि काम में है तो फिर पूरा ईमानदारी से, यदि विधानसभा में विधायक हैं या मंत्री हैं तो अपनी जिम्मेदारी हमला निभाना चाहिए जी। बड़ा जब भी आप बात करते हो बड़ा तथ्य के साथ बात करते हो, बहुत सारा साक्ष्य आपके पास रही थे, दत्त का कागज आप धरे चली थो, तो अद का इकट्ठा कौन टाइम कर लेते हो आप सब चीज ला? ये तो मैं 2003 तक मंत्री रहा हूँ हाँ। और मंत्री रहे के दौरान अधिकारी मन से संबंध है, यदि कोई कागज की कभी मांग हो जाए वो मतलब बोल दो तो वो मन दे देते हैं, लेकिन नाम गोपनीय। तो यदि मान लो कोई कागज आ जाए और जनहित के कोई मैं मान लो मुद्दा उठाता हूँ, कोई बात उठाता हूँ, तो कागज देने में भी कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो ये सब दस्तावेज के आधार पर बात करे से एक विश्वसनीयता आम जन में कायम होते, तो तथ्यों के आधार पर ही बात करना ठीक समझता हूँ और वो मैं करता हूँ। और जैसे कि कई बार ऐसे होते कि राजनीति में हम कई राजनेता ला देख के आथन, तो ऐसे कौन राजनेता रही जिला देख के आप राजनीति में आए? राजनीति में तो छात्र संघ चुनाव के जरिए आना हो गए हाँ। लेकिन संपर्क जो बन पाई शुरू शुरू में वो शिवेंद्र बहादुर जी के जरिए राजीव गांधी जी से हो पाई। अच्छा हाँ। और उखर बाद फिर वो लगातार विधानसभा के टिकट मांगे के दौर चली, टिकट मिली, चुनाव लड़े, जीते, और फिर जो स्थिति आपके सामने जी। जब आपला जैसे आप रायपुर में रहते रहे हो, आपला बीरेंद्रनगर चुनाव लड़ना रही से, तो वो समय जिन आपके मनोबल बढ़ाए वाली का चीज रही से कि आप जिन्हें रायपुर ले वीरेंद्रनगर पहुंच गए? रायपुर ले वीरेंद्रनगर जाए के बाद वीरेंद्रनगर में जब मैं अलग अलग गांव में दौरा कर रहा हूँ, उखर भौगोलिक स्थिति ला समझे की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बड़े एरिया में जंगल है, पहाड़ है, और बहुत बड़े आबादी आदिवासी मन के है, उमन के बीच में जाए के बाद बातचीत से मुझे लगी कि एमन के विश्वास जीते जा सकते, और उखर में प्रयास करे हूँ, संपर्क बनाए, संबंध बनाए, रायपुर में कभी कोई काम लेके वो मन आई तो मनला साथ दे, अस्पताल के कोई काम लेके रहें तो अस्पताल तक भिजवा के वाला इलाज के जो व्यवस्था मोर से बनी इसमें करे हूँ, तो धीरे धीरे संबंध स्थापित हो गए। और अभी भी ये चुनाव में भी जब 60,000 वोट से मैं जीते हूँ तो पूरा आदिवासी इलाका में एक तरफा वोट पाए, एक तरफा वोट पाए। लोगन कहते हैं कि आपके बड़ा अच्छा ईसन सोच भी है कि आप कोनो प्रकार के राजनीतिक कटुता नहीं रखो, जनता यानी जनता, ये आपकी परिभाषा है। जिन गांव में मैं चुनाव जीते हूँ वहाँ भी काम कराता हूँ, जहाँ हार गए वहाँ भी काम कराता हूँ, जो आ जाए उकर काम करो। जिन भोरमदेव शक्कर कारखाना बनी वहाँ भी आपके बहुत बड़े रोल रही से, ओकर बारे में आप हमें बताओ। जब ये बात सामने आई कि राज्य के पहली शक्कर कारखाना जो है वो कहाँ खोलना चाहिए कर, तब मैं मुख्यमंत्री उस समय जो रहीन हमार कांग्रेस के उखर से निवेदन करे हूँ कि हमार वीरेंद्रनगर विधानसभा के अंतिम गांव सीमा में रामेपुर, तो वहाँ शक्कर कारखाना हमला खोलना है, और मुख्यमंत्री जी वो समय के मुरबात लमानिस, और एक साल के भीतर 11 महीना में हम शक्कर कारखाना ला पूरा करें, और सोनिया गांधी जी आयरी से उखर उद्घाटन में आज भी वो शक्कर कारखाना चलत है, और वो शक्कर कारखाना आगे चल के वो विस्तारित करना है, और आगे चल के
व्यवस्था ला सुधार क्यों में जरूरत है वो उखर प्रयास हमन करत है। अभी जिन समय चलत है जिन युग में मन हन और जिन पुराना समय रही से ओमा ये देखे जाते कि वो जिन संबंध है धीरे धीरे आदमी ज़्यादातर मोबाइल में पहले अब संवाद नहीं होते। जैसे आप भी बहुत अच्छा बात है कि सुनने में इसकी मोबाइल में ज़्यादा व्हाट्सअप व्हाट्सअप वाले केवल आप लोगन से सीधा संवाद करता हो तो ये जिन सोशल मीडिया आए है एक कोनो कुप्रभाव देखता हो का आप? सोशल मीडिया में तो व्यस्त हो सब आप जेन ला देखो सब सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के जरिए अपन जब जहाँ जाओ तो आप देखो मोबाइल ही देखा तो अपन काम करते हैं दूसर कोई तरफ ध्यान ही नहीं है। तो जो संबंध बनत रही से वो में कमी आए हैं वो संवाद नहीं हो पा संवाद नहीं क्या भाव हाँ कमी आए सब व्यस्त रहते हैं अपन वही व्हाट्सएप मोबाइल जी। अक्सर जो आपके जन बैठक है वो बबला कॉम्प्लेक्स में होत रही से लोगन जिसे आप जैसे अभी तो बंगला में आ जाते हैं और दूसरी जगह चर्चा करे ला जाते हैं लेकिन बबला कॉम्प्लेक्स में भी लोगन के मिलना जुलना लगातार भीड़ रही थे तो वो जिन है ओखर से जुड़े कुछ बात बताओ हमला। नहीं बबला कॉम्प्लेक्स में तो मैं मतलब बैठे करे हूँ ऑफिस रही से वो है और मंत्री बनने के बाद मतलब बंगला अलाटमेंट हो गए तो शंकर नगर ऑफिस हो गए लेकिन वो ऑफिस भी है वहाँ भी कभी कभी जाके बैठना होते और बाकी अब शंकर नगर में मंत्री बनने के बाद भीड़ बढ़ गए तो बड़े जगह के हिसाब से शंकर नगर ठीक है अभी बाकी बीच बीच में बबला कॉम्प्लेक्स भी मैं जाता हूँ आज ही गिर रहे हैं कि वर्तमान युवा जिन राजनीति में आवत हैं अक्सर घर में कहे जाते कि राजनीति मत जा राजनीति ठीक नहीं है उखर बार आप क्या कहना चाहो? राजनीति में तकलीफ बहुत है उतना सरल काम नहीं है राजनीति में। यदि मैं अभी यहाँ तक पहुँचे हों तो मोर आगे पुलिस की गाड़ी मोर पीछे के पुलिस की गाड़ी पायलट लगे हैं तो ये दूर से बहुत अच्छा दिखते लेकिन एक इला पाए पर तकलीफ बहुत सही कहा और वो इला पाए पर जो तकलीफ उठा सकते वो तो राजनीति में आए के सोचे लेकिन प्रारंभिक तौर पर यदि असफलता मिल गए तो फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गए। एक समय आप लोग याद हो ही कि कांग्रेस को यदि टिकट मिल गए तो 90-95% उम्मीद करो कि ये विधायक बन गए सांसद बन गए वो समय कंपटीशन नहीं रही से आपके स्थिति में बिल्कुल बहुत कम अंतर से चुनाव के परिणाम आते और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि संघर्ष करते करते आदमी थक जाते सही कहा था तो वो हिसाब से सोच समझ के और जो दूसरा ये कि संपन्नता भी जरूरी है राजनीति में पैसा भी लगता है ठीक कहा था तो दोनों तीनों चीज जो मिलान करके आगे बढ़ जाए वो राजनीति में वाला आना चाहिए और नहीं तो फिर दूसरा काम भी ठीक है जी। पारंपरिक जिन खेल हैं आप स्पोर्ट्स भी खेलते रहे तो कौन सा खेल आप अच्छा लगा रही थे? स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा तरक्की मैं नहीं करे हूँ साफ साफ बात है लेकिन पारंपरिक जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो भी खेल है तो वो पारंपरिक ला अभी ये समय अब नवा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारा है तो जैसे हरेली तिहार में बहुत अच्छा बड़े बड़े आयोजन हमन करें ओखर बाद तीजापुरा में बड़े आयोजन छत्तीसगढ़ के सरकार के तरफ से करे गई तो वही हिसाब से जो पारंपरिक हमार खेल है जैसे भौंरा हो गए गिल्ली डंडा हो गए खो खो हो गए कबड्डी हो गए तो ये सब लाभ बढ़ाए के बर भी राज्य सरकार के विचार है और आए वाले समय में आप इला भी देखो वन विभाग लले के जिन आपके का योजना है वन विभाग में आप और का नया करना चाहता हो? ये साल के हमारे लक्ष्य है जो हरियर छत्तीसगढ़ हमारी योजना है तो 7,13,00,000 पौधारोपण करना है और छत्तीसगढ़ के 44% भाग जो है वो वन है छत्तीसगढ़ के कुल 1,35,000 वर्ग किलोमीटर के छत्तीसगढ़ है में 44% खाली वन है तो वन के सुरक्षा और अधिक से अधिक पौधारोपण जैसे हमारे पांच जो प्रमुख नदियां हैं इंद्रावती खारून शिवनाथ अरपा संकरी तो दोनों तट में 500 मीटर तक के वृक्षारोपण करे के बाद मतलब जहाँ जहाँ स्थान उपलब्ध है वहाँ वृक्षारोपण कराना है और वन विभाग में सही ढंग से काम चल सके। सबले बड़े उदाहरण हमारे
लेमरू हाथी रिजर्व हो, 450 वर्ग किलोमीटर के पुराना भारत सरकार के प्रस्ताव है, और बादल खोल, सेमरसो, तमोर पिंगला, ये तीन हाथी रिजर्व पूर्ववर्ती सरकार के समय के बने रही से, चार के मंजूरी भारत सरकार हमला प्रदान करे है, और 450 वर्ग किलोमीटर जो लेमरू हाथी रिजर्व हमन अभी ओला नोटिफाई करें हन ओला बढ़ा के क्षेत्र ला, वहाँ नीचे कोयला के भंडार है। तो ना केवल वन के सुरक्षा बल्कि वन्य प्राणी के सुरक्षा ओखर संरक्षण ये राज्य सरकार अपन काम ठीक ढंग से निभाते। अकबर जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगीस, और जिन आपके नवा योजना है ओखर बारे में आप हमला बताए, और जनता अतका काबर मया कर थे वह रहस्य हमला आज जिन पता चलीस, आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देसी टॉक में आए।